गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास एट्थ के सब्जेक्ट एसएससी सेक्शन सिविक्स से चैप्टर सी को कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम। तो अपराध की जांच करने में पुलिस क्या करती है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। द पुलिस इन्वेस्टिगेट द क्राइम ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वी कैन से एफआईआर फाइल्ड बाय द पुलिस इन द पुलिस स्टेशन। तो पुलिस किसी भी अपराध के बारे में जांच कब करती है, जब उस अपराध के बारे में पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। बेस्ड ऑन द एफआईआर द पुलिस रीच द क्राइम स्पॉट टू इन्वेस्टिगेट एंड असर्टेन द फैक्ट, सर्च द क्राइम सीन एंड गैदर एविडेंस, इंटरव्यू विटनेस। तो जो भी पुलिस क्या करती है, जब एफआईआर दर्ज की जाती है पुलिस स्टेशन में, तो उसकी जांच करने के लिए जहां पर ये घटना जो अपराध हुआ है, जो घटना हुई है उसकी जगह पर जाती है, उस वहां पर जाकर के उसकी पूरी तरह से फोटोग्राफी वगैरह करती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं इसमें कैसे पुलिस जा करके, अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ है, इन केस ऑफ द क्राइम द पुलिस रीच द स्पॉट, ये स्थान पहुंचती है और इस तरह पूरा ये प्रोसेस के माध्यम से ये पूरा लाइन खींची जाती है और इसके माध्यम से ये सारे डाटा रिकॉर्ड किए जाते हैं। और साथ ही साथ एविडेंस लेने के साथ साथ जो भी विटनेस होते, गवाह होते हैं, विटनेस पहले हम समझ लेते हैं विटनेस किसको कहा जाता है। विटनेस उसको कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति कहता है कि जो घटना हुई, क्राइम हुआ है, उसके बारे में हमें इसके बारे में जानकारी है, तो उससे भी पुलिस क्या करती है, उसे जो भी व्यक्ति कहता है कि जो घटना हुई है उसके बारे में हमें जानकारी है, तो इफ द उसकी पुलिस क्या करती है, उसे उसके बारे में पूरी जानकारी उसे लेती है और उसे गवाह बनाती है। इफ द एक्यूज इज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन दे अरेस्ट हिम हर, इन केस द एक्यूज फ्लिप द पुलिस ट्रैक द अक्यूज एंड अरेस्ट हिम और हियर। इस तरह जब पुलिस देखते हैं कि जो व्यक्ति अपराध किया वो जगह पर था, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, अगर कहीं भाग जाए तो उस तपरी भी किसी तरह पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। तो पुलिस ऑल्सो रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस एंड यूज देम एज एविडेंस। तो जो व्यक्ति कहता है कि हमने घटना, हमें इस घटना की जानकारी है, तो पुलिस उसके उसके बयान को दर्ज करती है और उसको एक एविडेंस के रूप में उसको पेश करती है। इफ दे फाइल द एविडेंस प्रूव दे फाइंड द एविडेंस दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी, रिपोर्ट ए फाइल, प्रिपेयर ए फाइल एंड सबमिट इट टू द मजिस्ट्रेट। और पुलिस को लगता है कि जिस जो व्यक्ति है उसके विरुद्ध जो विटनेस जो गवाह है बता रहा है कि इसने व्यक्ति अपराध किया है, उस स्थिति में क्या करता है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके मजिस्ट्रेट के सामने उस रिपोर्ट को पेश करती है। तो पुलिस हैव टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी अपराध व्यक्ति अपराध किया है, जो अपराधी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करते समय पुलिस सुप्रीम कोर्ट का द्वारा तय जो नियम है उसके आधार पर काम करती है। दे आर सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस, पुलिस को कुछ जिम्मेवारी दी जाती है। दे शुड इन्फॉर्म द पर्सन फॉर द रीजन बिहाइंड अरेस्टिंग हिम हर। पुलिस को यह बताना होता है कि किस कारण से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको बताना पड़ा। जिस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो बताती है कि आपने क्या किया, इसी कारण आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको बताना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड पॉइंट इज दे कैनॉट टॉर्चर द एक्यूज्ड। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो भी अपराधी है उसको आप टॉर्चर प्रताड़ित नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दे मस्ट प्रोड्यूस द एक्यूज्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 ऑफ अरेस्ट। तो पुलिस को यह निर्देश होता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है उसको 24 घंटे के अंदर, 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। दे कैनॉट फोर्सिबली मेक द एक्यूज्ड कन्फेस एंड यूज द कन्फेशन एज द एविडेंस इन द कोर्ट। और पुलिस को और क्या नहीं कर सकती, किसी व्यक्ति को पकड़ी है या उसको लगता है कि व्यक्ति ने अपराध किया है, क्राइम किया है, उस स्थिति में जबरदस्ती उसे कबूल नहीं करा सकती कि तुमने अपराध किया है, जबरदस्ती बयान नहीं ले सकती, ये कोर्ट के आदेश के अनुसार उसको मानना पड़ता है।
नाउ डिस्कस अबाउट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होता है? द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज द रिकॉर्डेड बाई द पुलिस ऑफिसर ऑन द ड्यूटी अबाउट द ऑफेंस. जो अपराध हुआ है, जो पुलिस जो अधिकारी होते हैं उस घटना के बारे में बयान दर्ज लिखते हैं, उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है. जो जो व्यक्ति अपराध से पीड़ित है, जिसके विरुद्ध कोई घटना हुई है, उस क्या करता है, वो व्यक्ति जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता है. इसको FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है. नाउ डिस्कस अबाउट द वेयर टू फाइल FIR. अब ठीक है, रिपोर्ट दर्ज कराना है तो समस्या आती है कि कहां पर रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए. एन FIR कैन बी फाइल्ड इन एनी पुलिस स्टेशन. किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की सकती है, लेकिन विशेष ध्यान रखा जाता है, इट इज जनरली फाइल्ड इन द पुलिस स्टेशन दैट इज क्लोज टू द क्राइम सीन आर पुलिस स्टेशन अंडर व्यूज ज्यूडिशियल द क्राइम हैज बीन कमिटेड. तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि कहां पर ये अपराध हुआ है, किस स्थान पुलिस स्टेशन के नजदीक में अपराध हुआ है, या ये देखा जाता है कि किस पुलिस थाने के क्षेत्र में जहां अपराध हुआ है, किस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में ये जहां अपराध हुआ है जगह आती है, तो उसके आधार पर वहां पर FIR दर्ज होती है क्षेत्र के आधार पर. थैंक यू. इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग एन FIR. FIR दर्ज करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.